वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएजी 172 गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस के ब्लॉक वाइज क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको बीपीएजी 172 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें बीपीएची वन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बताया गया है या अगर आप चाहें तो हमारा प्लेट सेक्शन भी फॉलो कर सकते हैं वहां आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे बीपीएजी वन में कुल पांच ब्लॉक है जो आपको पढ़ने हैं और इसके अंतर्गत कुछ यूनिट्स होंगे ब्लॉक वन है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट्स ब्लॉक टू है गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ब्लॉक थ्री है गवर्नेंस इमर्जिंग परस्पेक्टिव ब्लॉक फोर है लोकल गवर्नेंस और ब्लॉक फाइव है गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया तो आज हम लोग देखेंगे जिसका क्वेश्चन वो है ब्लॉक वन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट ब्लॉक वन के अंतर्गत कुल चार यूनिट हैं ब्लॉक वन है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस कॉन्सेप्ट यूनिट वन है ग्लोबलाइजेशन रोल ऑफ स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी यूनिट टू है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन यूनिट थ्री है गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया और यूनिट फोर है स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस यूनिट वन है ग्लोबलाइजेशन रोल ऑफ स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी इसके अंतर्गत आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जेनेसिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क परसपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट मार्केट सिविल सोसाइटी ये सारे टॉपिक्स है जो आपको इसमें पढ़ने हैं यूनिट वन में क्वेश्चन देख लेते हैं आपका एक सवाल होगा कि इन क्वेश्चंस का वर्ड लिमिट क्या है आप इसको मैक्सिमम 600 वर्ड तक में आप एटलीस्ट कंप्लीट करके रखिए और मिनिमम 100 वर्ड

what do you understand by globalization? what do you understand by globalization? state the reasons for the rise of globalization. state the reasons for the rise of globalization. explain the socio-cultural perspective of globalization. explain the socio-cultural perspective of globalization. next, discuss the changing nature of state. discuss the changing nature of state. last second, bring out the impact of globalization on market. bring out the impact of globalization on market. or last. एक्सप्लेन दफ सिविल सोसाइटी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी इसके आंसर आप चाहें तो ज्ञान को उससे भी फाइन कर सकते हैं या अगर आप मैनुअली गूगल पे सर्च करेंगे से, या फिर किसी भी सर्च इंजन में तो आपको इससे रिलेटेड आंसर्स मिल जाएंगे इसके बाद कुछ कीवर्ड्स है जो आपको जानने चाहिए इस कीवर्ड को अगर आप जान लेते हैं तो एग्जाम में अगर आपको किसी प्रश्नों का जवाब नहीं भी आ रहा है तो इन सब वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद है यूनिट टू यूनिट टू है गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन इसके अंतर्गत आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल यूजेस फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस ये सारे टॉपिक जो इसमें आपको पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चन नंबर टू है एग्जामिन इट्स कंस्ट्रक्चुअल क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस क्वेश्चन नंबर फोर है मे एन अप्रेजल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस मेक एन अप्रेजल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस लास्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेस इसके बाद भी कुछ प्रश्न इसमें यूनिट टू में डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लिस्ट द कैरेटरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस एक्सप्लेन पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और लास्ट है मेक एन एप्रिजल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस यही सारे प्रश्न है जो आपके यूनिट टू में है ब्लॉक वन के यूनिट टू में और कुछ की हैं जो आपको समझने चाहिए अकाउंटेबिलिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हॉलोइंग आउट ऑफ द स्टेट न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स रिस्पॉसिवनेस रूल ऑफ लॉ ट्रांसपेरेंसी ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके आप हिंदी मीनिंग और डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसके बाद है यूनिट थ्री यूनिट थ्री है गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया में आपको ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स ऑपरेशनल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स और गवर्नमेंट इंडिकेटर्स दिखने हैं यही सारे मेन आपके टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत कुछ सब टॉपिक्स होंगे क्वेश्चन नंबर वन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट एक्टर्स इन गवर्नेंस नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इमर्जिंग इंट्रैक्शन एंड नेटवर्क बिटवीन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड दियर इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस प्रैक्टिस question number three analyze the various empirical evidences of governance discuss governance indicators across six dimensions next why do you understand by the term constitutional supremacy what is the role of parliament in representative democracy next describe the various tools of accountability highlight the role of judiciary in india what is the role of market in governance context justify the need of जस्टिफाइ द नीड फॉर सिविल सोसाइटी इन इंडिया और लास्ट है वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड गवर्नेस इंडिकेटर्स कुछ कि वर्ड भी आपको जाने हैं पहलायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ई आई ए जिसे कहते हैं नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्टिसिपेटरी रिसर्च और लास्ट है स्टेक होल्डर यूनिट फोर है स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस इसके अंतर्गत आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टेक होल्डर्स का मीनिंग थ्योरी गवर्नेंस प्रोसेस सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इन द गवर्नेंस प्रोसेस यही सारे टॉपिक्स जो आपको इसमें पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स एग्जामिन द स्टेक होल्डर थ्योरी डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस प्रोसेस गिव एक्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस गिव एक्साम्पल्स ऑफ सक्सेसफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन

बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो सारा इस चैनल पर आपको मिल जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको इग्नू के संबंधित लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों के साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले ही अपडेट दे दिया जाता है कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सारा इंपॉर्टेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग